शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम मेरे चैनल पर। और आज का जो वीडियो है स्पेशली रहेगा एक मैसेज, ठीक है, जो मुझे डाउनलोड हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लस ये मैसेज जो है आप लोगों के लिए है, और बहुत से लोगों के मैंने कमेंट भी पढ़े थे कि बेबीज़ के ड्रीम्स आ रहे हैं इस टाइम पर। बहुत लोगों को शायद बेबी का बर्थ दिख रहा है, या प्रेग्नेंट लेडी दिख रही है, या आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको कहीं कहीं पर भी कभी टेलीविज़न पर बेबीज़ के बर्थ या छोटे बच्चों के सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी से रिलेटेड एक ड्रीम नहीं कहूँगी मैं, डाउनलोड कहूँगी, जो ट्रांसेंड स्टेट होती है जब मेडिटेशन में, तब मुझे दिखा। जब मैंने ये मैसेज मुझे मिला तो मुझे बहुत से लोगों के जो कमेंट्स मैंने पढ़े वो भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये उन्हीं लोगों के लिए है। हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा ड्रीम आ रहा हो। तो ये एक चैनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। जिन लोगों को भी ड्रीम में बेबी नज़र आ रहा है, ठीक है, या छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, या खुद को एज अ चाइल्ड देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि बहुत से लोगों की इस टाइम पर जो कॉन्शियसनेस है उसका बर्थ हो रहा है, वो राइज हो रही है, न्यू बर्थ हो रहा है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस का रीबर्थ का टाइम चल रहा है इस टाइम पर। ये जो भी असेंशन हो रही है इससे आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो विजन है वो क्लियर होगा अब आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जिनको भी बेबीज़ के ड्रीम्स आ रहे हैं, बिकॉज़ मुझे भी विजन में एक बेबी का बर्थ ही दिखाई दिया, तो डेफिनेटली ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलमोस्ट बेबीज़ देख रहे हैं ड्रीम्स में। तो उन लोगों के लिए और जो बाकी भी लोगों को अगर कुछ भी इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो ये जो टाइम हमारा चल रहा है इस टाइम पर आपकी कॉन्शियसनेस का रीबर्थ का टाइम है, ठीक है। आपको ज़रूरत है खुद को बिल्कुल अपने आप को सेफ रखने की, सेफ इन द सेंस आपको अपने ऑरा प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पर, ठीक है। बिकॉज़ जब भी हमारी कॉन्शियसनेस का रीबर्थ होता है या हमारी कॉन्शियसनेस राइज होती है, तो बहुत सी नेगेटिविटी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। बिकॉज़ जब हमारी वाइब्रेशन हाई होने लगती है तो हमारी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होने लगती है। तो आपको ज़रूरत है सबसे पहले अपने ऑरा प्रोटेक्शन की। कहीं भी ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें इस टाइम पर, एनर्जी सेविंग को करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कहीं पर भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, अपने घर के ऑरा को क्लिनजिंग रखें, हो सके तो सॉलिट्यूड में रहें, अकेले टाइम स्पेंड करें खुद के साथ, ठीक है। और डीप मेडिटेशन कीजिए थर्ड आई चक्रा पर इस टाइम पर। जब आप थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाते हैं तब आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो राइज होना स्टार्ट होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए इस टाइम पर। और ध्यान ज़रूरी नहीं कि आपको मेडिटेशन के पोस्चर में ही बैठ के लगाना होता है। ध्यान का मतलब है अपने थॉट्स को रोकना। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है, उसको रोकना है। सिर्फ अपनी ब्रीथ पर ध्यान देना है, सांस जो चल रही है देखना है, उसको सुनना है, इसे कहते हैं ध्यान। तो ये ध्यान आप कहीं पर भी बैठे हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि स्पेशली आपको ध्यान के पोस्चर में ही बैठ के करना है। कहीं लेट कर बेड टाइम पर आप जब सोने जा रहे हैं तब कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर अपने थर्ड आई पर फोकस रखिए। और त्राटक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि थर्ड आई पर मेडिटेशन करने के लिए त्राटक क्रिया होती है, जिसमें आप कोई भी एक लाइट या कैंडल पर फोकस लगाकर उसे कॉन्टीन्यूसली देखते रहिए। इससे आपकी थर्ड आई भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है। तो थोड़ा ये सब इस टाइम पर आप अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जीज अब हमारी तरफ आ रही हैं वो एनर्जीज हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगी, हमारी कॉन्शियसनेस को राइज करने वाली हैं,
तो आपको अपने आप को पूरी तरह से हील रखना है, ऑरा प्रोटेक्शन करनी है, ऑरा को हील करना है, और ऑरा लॉक करके रखिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सब कुछ आपको इस टाइम पर खुद को बिल्कुल सेफ रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कम बात कीजिए लोगों के साथ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है आपको, खुद का ध्यान रखना है इस टाइम पर। तो आई होप जिनसे भी ये रेजोनेट करे और जिनके लिए भी ये मैसेज है उन तक पहुँचेगा ज़रूर, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।